ये कि मैच किन के बीच में आज खेला जा रहा है और 40 साल के बाद आज फिर से यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, क्या कहेंगे? अपना नाम बताकर कहाँ से? गुरतेज सिंह है मेरा नाम, हम यहीं से यहीं पे लोकल ही हैं। अच्छा, तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे देख के मैच भी हम स्टार्ट हुए, हम भी मतलब एक्साइटेड थे बहुत पहले से यहाँ पे मैच आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को अपने सपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आज मैच देखें। बताइए किस किस का मैच है? जी किस किस का? जी टीम हैदराबाद और टीम इसका सुरेश रैना की टीम का और दिनेश का टीम। कौन सा फेवरेट टीम है आज? सुरेश रैना की टीम को सपोर्ट। अच्छा, यस सर। तो पता है कौन कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर आया है? मेन प्लेयर तो पता है सुरेश रैना की टीम में, एक सुरेश रैना सर हैं और भी उनके प्लेयर हैं दो तीन अच्छे अच्छे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 40 साल के बाद क्रिकेट फिर से यहाँ पर आया, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि पहले ऐसा ये चीज़ माहौल ऐसा यहाँ पे नहीं था, क्योंकि वैसा माहौल यहाँ पे था ही। अब आजकल यहाँ पे अब अच्छी आगे चल के बहुत सारा मतलब यहाँ पे आएगा आगे, तो अभी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतलब कौन? तो थोड़ा बहुत सर, बहुत अच्छे से क्रिकेट देख रहे हैं, यहाँ पर पहली बार हुआ है 1988 में यहाँ पर एक मैच हुआ था, 88 में या 4 में हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पर कोई मैच नहीं हुआ, और बच्चों को बहुत खेलने का शौक है, टैलेंट बहुत है यहाँ कश्मीर में, लेकिन यहाँ पर ये जो मैच नहीं हो रहे हैं, आप ये टैलेंट बाहर आएगा, लोगों को शौक ज़्यादा पैदा होगा, और इंसान जब तक मेंटली और फिजिकली फिट ना हो तब तक वो किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकता है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा हिस्सा लें और अपने मेंटली वो फिट रहे और आगे अपनी तालीम जारी रखें। पता है आपको कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर? जी इंडिया के काफ़ी खिलाड़ी आ रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आ रहे हैं। ये तो पिछले साल मैंने जम्मू में एक मैच देखा था, लेकिन डे नाइट मैच था, तो आज मैंने कहा दिन में देखेंगे मैच। आज 3 बजे मैच हो रहा है, लेकिन बाकी मैच 7 बजे अब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर दिन में मैच हो तो वो ज़्यादा ही मज़ा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय।